गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टैंडर्ड 9 में सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 न्याय मंत्री। पहले मैंने आपको आराधना काव्य फर्स्ट चैप्टर आराधना काव्य था उसके बारे में बताया। अभी सेकंड चैप्टर है पार्ट 2 न्याय मंत्री, एक स्टोरी है। मैं अभी ये स्टोरी आपको रीड करके बता रही हूँ। इस कहानी द्वारा न्याय लोकतंत्र की जिम्मेदारी और न्याय में निष्पक्षता के महत्व को समझाया गया है। सम्राट अशोक न्याय मंत्री की पोस्ट करता है। उसकी मुलाकात शिशुपाल से होती है। किससे होती है? शिशुपाल से होती है। शिशुपाल के व्यवहार और लोकतंत्र को देखकर सम्राट अशोक उसे न्याय मंत्री बनाता है। शिशुपाल अपने सुप्रबंध लोगों में न्याय तंत्र पर विश्वास जगाता है। न्याय राजा और अंक में कोई भेद नहीं करता। इस कहानी से यही प्रेरणा दी गई है। अभी आपको मैं पाठ का सार बताऊंगी। शाम को अंधेरा फैल चुका था। उसी समय ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक अतिथि आता है। अतिथि मीन्स कौन? मेहमान आता है। शिशुपाल उग्र अतिथि को अपने रात घर हाथों के लिए आश्रय देता है। उसका स्वागत सत्कार करता है। घर आए मेहमान के सत्कार के बाद वह राज्य में फैले हुए अन्याय के बारे में चर्चा करता है। घर आया युवा परदेशी इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। मीन्स दोष निकालना तो एकदम इजी है बट उसको दिखाना बहुत कठिन है। ठीक है, तब शिशुपाल उत्तर देता है, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। कौन बोलता है? शिशुपाल बोलता है। युवक कहता है, यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल इस पर कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इस प्रकार बातचीत कर अतिथि सो जाता है। यह अतिथि युवक सम्राट अशोक ही थे। वो अतिथि कौन था? सम्राट अशोक ही थे। वो वे एक दिन सिपाही भेजकर शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं। दरबार में आए शिशुपाल को सम्राट अशोक अपनी राज मुद्रा प्रदान कर न्याय मंत्री बना देते हैं। राज मुद्रा मीन्स क्या? जो राष्ट्र मुद्रा होती है उसे राज मुद्रा बोलते हैं। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर उनके सुप्रबंध से राज्य में शांति रहने लगती है। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने का लगभग एक महीने बाद ही रात में किसी ने एक पहलेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत रहने के बाद शिशुपाल को अपराधी का पता चलता है तो उनके आश्रय का ठिकाना न रहा। क्योंकि सम्राट अशोक की पहलेदार की हत्या के अपराधी थे। कौन था? सम्राट अशोकी वो पहलेदार के हत्यारे थे। शिशुपाल न्याय मंत्री थे इसलिए उन्होंने आसान न होने पर भी सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वो न्याय मंत्री थे इसलिए उन्होंने आदेश भी दिया कि अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों से हथकड़ी पहना दी। दोनों हाथों में क्या पहनाया? हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने न्याय दिया कि राज कर्मचारी की हत्या के अपराध में मृत्यु दंड सम्राट अशोक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसको सम्राट अशोक को, जो राजा थे वो। ठीक है, सम्राट अशोक अपराधी थे परंतु सम्राट थे इसलिए उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि वो क्यों थे? राजा थे इसलिए सामान्य अपराधी की तरह उनको दंड नहीं दिया जा सकता था। न्याय मंत्री इस बात पर जोर देकर शास्त्रों के अनुसार आज्ञा देते हैं कि सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। उनकी जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। किसको लटका दिया जाए? उनकी जगह पर सोने की एक मूर्ति रखी और उसको फांसी दी जाए। ठीक है, इस प्रकार न्याय देखकर सम्राट अशोक प्रसन्न होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। कौन होते हैं प्रसन्न? राजा सम्राट, जो अशोक राज थे ना सम्राट, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। न्याय मंत्री के साहस की सम्राट अशोक प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे न्याय मंत्री की परीक्षा ले रहे होते हैं। वो किसकी परीक्षा ले रहे होते हैं? शिशुपाल की, जो न्याय मंत्री था। न्याय मंत्री की जय जयकार होती है। इस चैप्टर में अपने को ये सब इसने समझाया है। ठीक है, किसकी जयकार होती है? न्याय मंत्री की। ठीक है, चलिए स्टोरी आप घर से पढ़ के ला। ठीक है, थैंक यू।